अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको अपने जमान में रखे। ये चना क्रिस्पी है जो अभी शाम के वक्त हमने खाने में बनाई थी। और नेक्स्ट डे है, अभी हम जा रहे हैं मेरे अब्बा के घर, मेरे अब्बा से मिलने। एक्चुअली मैं मुमरा में अपनी बहन के घर पे आई थी और अभी हम जा रहे हैं घाटकोपर। हम मेरे अब्बा घाटकोपर में रहते हैं। और फिर ये देखो, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश बहुत आ रही थी। हम दो दिन रुकेंगे अब्बा के वहाँ, फिर आएंगे वहाँ से। फिर हमें बॉम्बे जाना है। अब्बा के यहाँ से ही हमें इजी पड़ता है, पूना मुमरा से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो हम अब्बा के यहाँ से ही बॉम्बे जाएंगे। क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा था सच में। ये देखिए क्या प्यारा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये शाम के कुछ 4 बजे का वक्त है और ये 4 बजे देखिए कैसा हो गया है, जैसे एकदम अंधेरा हो गया है। और सच में बहुत हम आ गए थे अब्बा के घर, पहुंच गए और फिर हमें बहुत भूख लगी थी। एक्चुअली आज फ्राइडे का दिन था और हमने खाना नहीं बनाया, दोपहर को नाश्ता ही हमने लेट कर लिया था। हमने सोचा कि खाना बनाएंगे, फिर खाने में बहुत लेट हो जाएगा जाने के लिए, तो हमने खाना नहीं बनाया। और हम जुमा पढ़ के फ़ौरन ही निकल गए थे ताकि हम जल्दी जल्दी अब्बा के घर पहुँच जाएँ। तो फिर हमें शाम को पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिल गया था तो लेट हो गया था। तो हमने आते साथ फिर हमने सीख पराठा ऑर्डर किया और फिर हमने सीख पराठा खाया और बहुत ही टेस्टी और अच्छा था सीख पराठा। और सच में बहुत भूख लगी थी, तो अभी हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअली ये हम लोग कोकनी हैं, ये कोकनी लैंग्वेज है और हम सब को घर में कोकनी में ही, मतलब इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। कोकनी मतलब मैं कोकनी हूँ, एक्चुअली मैं कोकन से हूँ और ये जो है मेरे हस्बैंड ये कोकनी नहीं है। तो मेरे अम्मी की तरफ हम सब घर में इस कोकनी में ही बात करते हैं। मोहम्मद सभी को नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ लेता है वो, पर बात करने उसे नहीं आती है कोकनी में। पर जल्दी थोड़ी थोड़ी में उसे सिखा दूँगी इंशाल्लाह। और ये हम जा रहे थे अगले दिन सुबह सुबह बॉम्बे क्रॉफर्ड मार्केट और हम बस से गए थे। बहुत अच्छा लगा बस से। मैंने काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बहुत साल के बाद मैं बस में बैठी थी पूना जाने के बाद से। मैं मतलब मेरे को पूना जाके हो गए थे है 5 या 5 साल शायद हो गए, और मैं 5 साल के बाद मैं बस में बैठी। मैं हम पहुंच गए और फिर हमें 1 घंटा लग गया पहुँचने में। अगर हमें काफ़ी भूख लगी थी तो हम पहले अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे थे। क्या ब्लॉगर बनेगी तू, ऐसा बोल मतलब परत परत टेक करे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं नूर मोहम्मदी होटल। हम लोग बॉम्बे घूमने वाले हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए, तो स्टार्टिंग में हम लोग अभी खाने आए हैं नूर मोहम्मदी होटल में। तो देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा होगा। सिमरन लगो
अभी हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं। होटल लुक बड़ा होटल है, बड़ा सेकेंड फ्लोर पे भी सीट है पर वो है एसी, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते। आप इस होटल में आइए, ट्राई कीजिएगा। अभी मिलते हैं खाना ऑर्डर करने के बाद। गाइस अभी खाना आ गया है, हमने मंगाया कीमा, चिकन कीमा और ये क्या है, ये है हमारा कीमा, चिकन कीमा है नहीं मटन कीमा, और उसके अंदर काजू भी है, काजू दिख रहा है काजू। गाइस दूसरा है कोरमा, ये पिकल है, तो फ्रेंड्स अभी हमने खाना खा लिया है, एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब था। किधर खाना है वो तो बताओ, बता दो। तो अभी हम लोग हाथ धोने जा रहे हैं। कोड भरला, पेट भरा, हाँ पेट भरा, नंबर अच्छी हक केवल आप क्या बात। और ये होटल के बाहर ही हल्दी मसाले का शॉप था, कितने लगे सारे मसाले, कबाब मसाले 75 रुपीज़ शामी कबाब का एक पीस मुमरा में भी मिल जाए शाम के लिए, और भी बहुत सारे मसाले 75। और फिर मुझे एक्चुअली ना लोबान जलाने का होता है ना वो मुझे चाहिए था, तो मैं उस शॉप पे गई और मैं वहाँ पे मैं देखा कि लोबान के लिए मैं क्या है अच्छा जलाने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ से वो बाय किया। एक्चुअली देखते हैं मैंने कौन सा लिया, वैसे भी मैंने जो भी चीज़ें लिए हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जो मैंने बॉम्बे से ख़रीदी है इंशाल्लाह। मशीन और कौन सी, वो भी लोबान की मशीन है, देखो ये भी लोबान डाली मशीन है। हाँ। इसको ऐसे खोल के कोयला रख के बकूर डाल के जलाने का, ये 150 रुपए का। तो इसमें कैसे जलेगा, वैसा भी 150 का है, ये क्या लगेगा, ये 350 का ऐसा लगाओगे पूरा लाइट जलेगा इसमें। अच्छा, बकूर डालने का, लोबान डालने का, ऐसा तो नहीं लकड़े वाले में कैसे चलेगा, लकड़े वाले में इसे इसको खोले और कोयला रख दिया, बकूर डाल देने का, बकूर डाल के ऐसे बंद कर देने का जलाने का। बकूर मतलब कोयले का, ये बकूर है ना इसको बोलते हैं, ऑर्डर जो डब्बा में आता है बकूर, ये बकूर ये थोड़ा थोड़ा सा डाल देने का ये, और जलता कैसा है फिर वो कोयला के ऊपर जलाने का। अच्छा कोयले के ऊपर घर लगा के, मुझे एक कोयलो जालून तेतलम टिया जो लाकड़ा चलता है ऐसे जले, खुशबू अच्छा आता है ऐसे लकड़ी को हो गए सर। ये पूरा लेट जलेगा उसमें, हाँ उसमें लेट जलेगा पूरा, ये बताया ना आपको। हाँ, फिर वो उसमें बकूर डाल देने का, इसमें कोयला भी डालने का नहीं है, खाली बकूर डालने का, बस खुद ही जलेगा, अंगार भी नहीं लगाने का। 350 अच्छा है, ज्यादा चलता है। फिर मैंने ले लिया एक लोबान जला, लोबान के लिए मशीन ले ली, मतलब वो एक लिया मैंने लोबान के लिए, और फिर हम लोग निकल गए। एक्चुअली हमें जाना था CST फैशन मार्ट, तो हमने वहाँ से वॉक करके हम CST गए। एक्चुअली हमने एक दो टैक्सी वाले को पूछा पर वो नहीं आ रहे थे,
और पता नहीं वो लोग रेस्ट कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग वॉक करके ही निकल जाते, तो थोड़ा जो भी छोटा मोटा मार्केट बीच में मिलेगा वो भी देखते देखते हम जाएंगे। तो हम ऐसे ही पैदल ही निकल गए, और एक्चुअली वो 2.5 किलोमीटर था, वो 2.5 किलोमीटर कुछ मैप पे बता रहा था, तो हम मैप को फॉलो करते करते गए हम वहाँ पे, फिर वहाँ पे पहुँच गए। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे CST फैशन मार्ट पे। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है मैंने।